स्वस्तियां होती है। मीरा दीक्षित जी को भी हम सुनेंगे। पुरुष और महिलाओं के भगवान ने दिमाग के सॉफ्टवेयर अलग अलग बनाए हैं, एक अलग आनंद आता है, अलग बात करने का तरीका होता है। महिलाओं को सॉफ्टवेयर में क्या हुआ है, कोई भी चीज को प्रचार बहुत करे, अगर जनजाति हो या 250 रुपए की सैंडल भी लिया तो पूरा घर में दिखावे की देखो बुआ जी क्या की लाजी, आजकल डायमंड आ रही चल रही है, पूरा मोहल्ला में दिखावे। और पुरुष बेचारो अब तो सीधो हुए 1000 रुपया की बियर भी पी रहा जाए तो बड़ा चुपचाप सो जाए। इन्हें खबर सादा जीवन उच्च विचार है, सारा भाव है, मस्तिया आनंद है। आके एक और रहे मात्र सकते आगे बहुत विनम्रता से मैं निवेदन करूं, आका आपस में कंपटीशन बहुत हो गए। आन मान लो आने दुनिया की सब बढ़िया जगह स्वर्ग में भेज दो, इससे बढ़िया गड़े भेजा बठे भी जाना, आज कोई भाई नहीं मिल जाए तैयार ने खाई बेअपसरा जी ड्रेस देखी, मैंने ड्रेस सेंस ही को नहीं, काली साड़ी पर लाल बक्कल लगा मिली हो क्या जी मोटी हो रही है अभी से तो मई घनी स्वरूप लागू है रामे श्री ना वाह है पता सी बात तो तू सही कही। आपने पुरुष के आ है कि वो कत्तो भी निगेटिव जगह हो, कत्ती भी कष्ट की जगह हो, बठे भी आनंद ढूंढ ले। अब मान लो मैं नरक में जाऊं, बठे पी के मस्त मिल जाए, मिली जाए भी यहाँ की जगह थोड़ी है, सपोज करो मिल जाए, मिलता ही मैंने पहली एक ही बात बुझेगा मैं गारंटी से खेस को, ए मैंने कहा हरीश भाई देखी यमराज की बेटी मन की मस्तियां अलग है, ये आनंद मस्तियां आप जीवा हाँ, ये सारी वार्ता ने आगे बढ़ावा हाँ। और भाई अशोक सेवदा जी आपने भी सहज हास्य का छोटी छोटी बात से हास्य को एक समंदर खड़े करवा के एक अलग कुवत रखे, ये मुकाम पर बाने बुलावा हास ठास अट्टहास की प्रक्रिया ने खूब आनंद की ऊंचाई से आगे बढ़ावा। मैं क्या बुलाऊं आप लोगों को प्रेम बुलावे, एक बार अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति रही जोरदार ताड़िया से अशोक सेवदा जी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित शिष्ट और विशिष्ट कवियों को नमन करता हूँ। पहली ऊंट की कविता सुनी, पाडा की सुनी, विषय यही दिया गया थे। और एक भाई बात बताबो बोली गयो आपने जब क्यों पाडो ब्याह होया बाद में गाय गिरो के जीवी बढ़ गयो ने जब सासू क्यों जी जुआई क्यों बहुत टेम को आयो गयो अब तो 15 दिन अठे ही रहे क्यों किया 15 दिन क्यों काल ही काल भेस को पाड्यो मरगो तन देख रगाड़ा दुआ दे दोगी। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत जोरदार हो गयो और जोरदार इवास्त हो गयो कि दाता का लोग बहुत होशियार है। और एक ये घटना बताऊं आपने दाता का लोग क्या होशियार है हरीश जी, मारे सागर जी की बात मारे सामने आई जी, राजेंद्र जी भाई साहब जगह अध्यक्ष है आपके कवि सम्मेलन का, पिछली बार कोई कवि ने बुलाया वो मैंने एक बात बताई क्यों भैया मन आना जो वो फोन करियो पिछली बार राजेंद्र जी क्यों गणेश चतुर्थी का फ्री हो गए, मैं क्यों हाँ क्यों आ जाओ मैं गयो कवि सम्मेलन पूरा हो गयो, मैं क्यों जी पेमेंट क्यों पेमेंट की बात को क्यों 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 थे ही तो क्यों क्यों फ्री हूं क्यों क्यों भैया तू ध्यान रख जो दाता जावा जा मारे भी फोन आयो, मन क्यों अशोक जी गणेश चतुर्थी का फ्री होगी, मैं क्यों मैं हाल पेमेंट लेबल आ गयो क्यों नहीं नहीं पेमेंट देशे ऐसी कोई बात को नहीं है समझ गया जना, मैं क्यों और कौन कौन आ रहा है कत्तो काय पेमेंट है मन पूछो क्यों कौन कौन आ रहा है, मैं क्यों हरीश जी पे क्यों हरीश जी हिंदुस्तानी आ रहा है केसर देव जी आ रहा है ते था कोई पेमेंट बता दियो, मैं क्यों इतना बड़ा बड़ा लोग आ रहा है जब कोई दिक्कत को नहीं जगह हरीश जी हिंदुस्तानी देव बहु 1000 रुपया मन कम दे दिया क्यों थे तो आ जाओ हरीश जी हिंदुस्तानी 1000 में आ रहा है क्यों वाह। और दूसरी बार फ्री कर लिया है नहीं तीसरी घटना बताऊंगा ना बाहर आ रही हूँ मैं ठेनू डीर बनाऊ जा खोड़ू चालियो जा आगे 2 किलोमीटर था के दाता हूँ मारे एक आदमी किलोमीटर वाला फाटा के बैठ गयो नारियल लियोड़ और भी किलोमीटर वाला फाटा के तिलक काट है माड़ा चटावे मैं कह रहा मैं भाई काई कर रही है तू क्यों पूजा कर रही हो भगवान की, मैं कह रहा किलोमीटर को बांटो है कि काई पूजा कर रही है नारियल चढ़ा रही है तिलक लगा रही है क्यों रहा वही भगवान है, मैं वो क्या भगवान है क्यों देख वोट बैठ हुई बता दियो खूड 23 किलोमीटर मुंडे बोल रहे हो तो मुंडे बोल रहे
जरा हमारे कहानी समझ में आएगी। एक और घटना बताई गई क्यों दादा को, एक आदमी जयपुर गयो, जयपुर जा होटल में जा खड़े हो बैठ गयो, जो होटल वालों लाई बेरो आयो, क्यों भाई जी कहीं खाओ, क्यों अतारी टेबला ने कान कर गुड़िया खाऊ गयो। अब कहीं कर लियो भी आदमी को। और हरिओम जी तक दाता का यहाँ की एक घटना सुन लियो, पच आप कवि सम्मेलन की कोई दूसरी बात करा। एक दिन जा रहा जरा जयपुर रेलवे स्टेशन पर, दोनों जना क्यों कोटा चालना क्यों टिकट ले लिया। हरिओम जी तक दाता का क्या टिकट क्या ले लिया, हरीश जी के बाहर पड़गुड़े चाला क्यों, पच कोई एक बार टिकट पड़ियो या नीचे ही, जब वो टिकट कहीं गिर उठा जेब में घाल लियो, क्यों कहटा हड़ी बड़ी में काम आ जा। तो वह हरिओम जी आपका टिकट जेब में रहे, दोनों गया ट्रेन में बैठ गया, अत्यान टीसी आ गयो, टीसी आ गयो, हरिओम जी हरीश जी ने कह दियो क्यों तू सीट के नीचे बढ़ जा, क्यों मैं दिखा ले उपज की तू चिंता मत कर। हरीश जी बड़ा आदमी, जब आपका सीट के नीचे बढ़ गया, हरिओम जी बैठ गया पलटा और टीसी की टिकट ए हाथ रहा दिखायो, देखियो तो देखिए जो आभार देख पारू जी सी वो हाथ में लेट देखियो क्यों वो तो हाफ है, क्यों हाफ तो माइंड सुनियो हाफ पेंट सुनी हाफ टिकट क्या को है। वो टीसी सोचो एक समझ में बनी हुई बात, क्यों आधो है आधो, क्यों पूरा दियो आधो कटे गयो, क्यों आधा को मतलब एक बट्टा दो, एक तो ऊपर दो नीचे, क्यों अब क्या बात समझ में आएगी, मैं तो ऊपर वो दूसरों नीचे गियो। बढ़िया, क्यों एक बट्टा दो वाली बात भाया तारा समझ, तू मारा भी होशियार है। क्यों मठ कवि सम्मेलन में आया मनिया काशा लोग ड्राइवर ए बड़ा बड़ा लोग योगेंद्र जी भाई साहब केसर देव जी मारवाड़ी रे हरीश जी सब यहाँ कॉन्फ्रेंस कर यार, मैं आयो दाता का मैं मन क्यों अशोक जी अठा की जनता बहुत तकड़ी है, कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया सुना है, था कि कविता को कहीं लेवल है, और मैं आने टीवी में आबा ला गया ए गोरबंद में अवेर ए भी कोई आस्था चैनल में ए चैनल में आपने कोई चैनल वालों काम पड़ी होगी नहीं होगी दी, जब क्यों था कि कविता को लेवल बताओ, मैं क्यों लेवल कहीं है पूछना चाहो कहीं पूछना चाहो, हरीश जी क्यों मैं था को टेस्ट लेना चाहूँ, मैं क्यों ले क्यों एक कविता की एक लाइन देऊं थान में भी लाइन के आगे थे कविता जोड़ो तो कहीं हटवा थान कथा बड़ा कवि हो, मैं क्यों लाइन बताओ ए लाइन बताई क्यों हमने हमने सनम से मोहब्बत की अंदाता समझ कर, हमने सनम से मोहब्बत की अंदाता समझ कर, क्यों दूसरी लाइन जोड़ो, मैं क्यों लियो हमने सनम से मोहब्बत की अंदाता समझ कर, हमने सनम से मोहब्बत की अंदाता समझ कर, हम उतर गए जोबनेर को दाता समझ कर। राष्ट्रभक्ति की मैं बार दो लाइना गाऊं तू भी टाइप हो आगेगा, योगेंद्र जी भाई साहब दो लाइना बताई मन की, मैं बताओ सर क्यों देख अब राष्ट्र में कहीं चाल रही है, मैं दो लाइना बोलूं ए बोली मोदी मोदी विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, देश प्रगति पर आगे बढ़ रहा है, यहाँ तू आगे लाइना बना क्यों, मैं क्यों मारवाड़ी बना लू क्यों, हाँ मारवाड़ी बना ले, मैं क्यों मोदी विकास का नया आयाम गढ़ रहा है, देश प्रगति का पथ पर आगे बढ़ रहा है, पण ओ पेट्रोल कदे 2 रुपया उतर रही है, कदे 3 रुपया चढ़ रही है। बढ़िया बढ़िया, और ना को बाधियो अत्यान केसर देव जी लागे लारे मारे, क्यों तन अंग्रेजी में आवे को नहीं आवे, क्यों चैनल वाला अंग्रेजी मांगे, मैं हो गया हूँ परेशान थी ना, क्यों अंग्रेजी में भी कविता मांगे, मैं क्यों अंग्रेजी में कविता, क्यों हाँ अंग्रेजी का मैंने कविता सुना, मैं क्यों अंग्रेजी में देवो सुनो, मैं हो गया हूँ काटो आग तो तीन ना हूँ, मैं क्यों आज आके अटे सल्टानो का, मैं क्यों आई एम ए फार्मर आई हैव ए ट्रैक्टर मेसी, क्यों आगे पूछी तो था कि एसी की प्राण पीपल आ गया चैनल में आ गया तो कोई मारो दोस्त थोड़ी। तो अशिव जोरदार एक बार ताड़िया बजा दो ताकि यहाँ लाग गया कभी समय का भाई लुगाई बहुत परेशान हो, मैं शुरू में देखियो जरा एक दिन जयपुर जाबा को मौको पड़े हो रहा, वास्तव में सही बात है कि जिसकी घटना ही बात है नहीं या कविता मत समझो कोई को दर्द हो बाप का आका दर्द को नहीं का लक्षण है नहीं परेशान क्यों को नहीं बैठा लोग हैं परेशान जरा वो काई करे वो पुन्नू सामने आओ एक को घर जटे होने विद्यार्थी नगर का मायने जो ऊपर डाल मुइया मन आतो दिखियो कुणिया मु खून निकला यार मातो फुटियोडो और अरे मैं क्यों पांच साल कठिन जावे है आओ घरे छोड़ दियो क्यों घर हूं मारियो होगी मैं क्या घर हूं अब कट जासी क्यों पुलिस थाने जाऊं लार ला 15 साल हो गया दुख पा रही हूं अब छुटकारो प्राप्त करना है
जब मैं ला चाल मैं चालू सागे दुखी है तो कोई लिखा दे उतार कोई गवाही हवाई में मैं गयो सागे पुलिस थाना में वो आपकी रिपोर्ट लिखाई क्यों गराड़ी मानने को नहीं बे सारी घटनाएं बेलन आड़ी फैलन आड़ी बस लिखा दी थाने बताई जगी बे लिखाई जरा वो बड़े सी आई चुको ने वो यहाँ लिखता लिखता रोबा ला क्यों भी यहाँ आंसू पड़े सी आई का आंसू पड़े जरा वो भी सी आई ने क्यों जी साहब मारी दशा देकर थाने बहुत दुख हुई हो क्यों रे दुख की गुनी हो क्यों मैं तो यहाँ सोचू मैं तू तो मन लिखा दी मैं किन जार लिखा होगी हो तो एक टाइप की जो घटना दुर्घटना हो जा एक रचना स्वागत हरीश जी हरिओम जी हिंदुस्तानी के हरीश जी हिंदुस्तानी के हरिओम जी के एक दो बात और बताओ बात बताऊं कहीं मैं बताऊं स्थिति आ है कि स्कूल का मैं मास्टर रहा स्कूल में पढ़ावा जरा स्थिति यहाँ की हंसी मजाक की यहाँ घनी घटनाएं छोटी मोटी कई निकले एक बार स्कूल कमांड पढ़ा था बार नयो आरटी एक्ट लागू है भी आरटी एक्ट में कहिए गरजार पूछनो पड़ेगा छोरो क्यों को नहीं आ रही है जब मगड़ा प्रिंसिपल साहब भेजा क्यों जाओ जाओ गरजार पतो करो छोरो क्यों को नहीं आ रही है मैं गया भी के घरे घर गया जना आके दादो और पोतो दोनों बरामदा में बैठा छोरो दस दिन स्कूल को नहीं आयो दादो और पोतो बरामदा में बैठा जब दादो मार साहब ने आता देख लिया दादो मार साहब ने सरपंच साहब दादो देख लिया तर क्यों रे छोरा माय जार लुक जा तारा मार साहब आवे तन कूटेला वो पोतो दादा ने पाछो जवाब दियो क्यों दादा लुक तो तू जा क्यों 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 मारो मार साहब ने कियोड़ो है मार लो दादो मरगोर में 12 दिन गोनी आऊ लागे आज तो स्थिति हो जावे तो काई होनो चाहिए मैं बताऊं मारे काई स्कूल के सारे काई मुसान है शमशान जब माँ के कहीं छुट्टी हुए कोई गांव में कोई कभी घटना हुए कोई चार छह महीना कभी एक द्वार जब एक द्वार घटना हुआ जब मैं कहीं करा कि छुट्टी कर दिया स्कूल की जब एक कोई घटना हुई जब मैं स्कूल की छुट्टी कर दी डोकरो चल गयो कोई डोकरो चलियो जब दो छोरा बारह निकलिया बारह निकल एक छोरो दूसरा कू नहीं ठोके बट दो डोकरा बैठे स्कूल की डोली कन क्यों देख दो छुट्टियां अपनी हट पजोड़ी पड़ी है तो ये टाइप की घटना दुर्घटना जो घटे और एक और बात बताऊ आपने हंसी मजाक की अगली घटना माताएं बेने का सा बैठी है जुआई की बात करी जरा मैं आपना बताऊं कि आपने घर में जुआई जद आवे ने जब भी की हंसी मजाक की अति घटना एक जुआई आयो एक ताजा घटना सुन जो जुआई आयो आयो जना घर के मायने आर बैठ गयो बारे अब आपा जो दाता का लोग आ छोटा लोग आ जब आप सबने घर परिवार में पूछ और बात करा कि भाई कहीं बनाना है जुआई आयो है जरा क्यों साहब दादो जी ने पूछो कि दादाजी काय बनावा क्यों शीरो बना लियो बस क्यों ताऊ जी ने पूछो काय बनाओ ताऊ जी क्यों नहीं शीरो रेबा दो क्यों आपने लापसी बनाओ जत्यान क्यों काका जी ने पूछ लिया क्यों काका जी काय बनावा लापसी बना लिया क्यों नहीं लापसी रेण दो क्यों थुल्ली की खिचड़ी बना लियो क्यों वो जुआई बेटो बारला कबरा में बैठो देखो क्यों पहली शीरो और पछ लापसीर अब थुल्ली होगी वो रसोई में सड़ाई लीन जार क्यों राबड़ी रोटी नीचे आया तन तंग बाप की सोगे नहीं क्यों बड़ी रचना अति गंभीर विषय तो है और बड़ा अच्छा श्रोता है सुधी श्रोता है जब मैं चाहूँ कि भी रचना को पाठ मैट करूँ रचना बहुत प्रसिद्ध हुई चुनाव के समय में रचना आ ही के अर्थशास्त्र विषय होया करे और आपने एक घटना घटी योगेंद्र जी भाई साहब रुपयो गिरबा को मतलब अब आपने डॉलर का मुकाबला में रुपया को बैलेंस चालिया करे 50 रुपया की जगह 68 रुपया को हो गयो एक डॉलर का मुकाबला में रुपया को वजन आ बात अखबार में आवे रोजिना रुपयो गिरो आ बात न तो मारे समझ में आवे न थाके समझ में आवे न मारी घराड़ी के तो बिल्कुल ही समझ में को नहीं आवे पर पढ़ी लिखी को नहीं अब अटू कविता की पृष्ठभूमि तैयार हुए कि लुगाई के समझ में नहीं आ रही है रिपे क्या गिरियो और एक राजस्थानी की बहुत उत्कृष्ट हास्य रचना अर्थशास्त्र की दृष्टि बत्ती अच्छी है आप लोगों को आशीर्वाद मिले तो रचना और कह रही हूँ आगे तक आप समझो कि रुपये गिरियो याद रखियो रुपयो और दो चीज याद रखियो पुराना अपना प्रधानमंत्री जी को नाम मनमोहन सिंह जी और पुराना वित्त मंत्री जी चिदम्बरम साहब आभार का वित्त मंत्री जी अरुण जेटली आभार का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी चार आदमी याद रख जो दोनों वित्त मंत्री दोनों प्रधानमंत्री और रिपियो गिरो ये घटना ने याद रख जो लुगाई ने ठाकुर ने रिपियो किया गिरा राजस्थानी की एक बढ़िया रचना आपके सामने पेश करना स्वागत और आप लोगों को आशीर्वाद चाहूंगा अनूठो विषय रुपया के गिरने की खबर पड़ी तो मैं चिंता जताई
रुपया के गिरने की खबर पड़ी तो मैं चिंता जताई, मारी घरवाली रसोई घर शू बारे आई, बोली पिछला चार पांच दिन शू रिपियो गिर को के रहा हो, और सचमुच में गिर रहा है, मारा हूँ छुपके कोई ने दे रहा हो, और सचमुच में गिर रहा है, मारा हूँ छुपके कोई ने दे रहा हो, रुपयो कट्टे पटक रहा है, मन सही सही बताओ, नहीं संभाल सको तो कालू जेब में चिल्लर ले रही मत जाओ। बढ़िया थाके रिपिया के गिरने को रोड़ो तो सगड़ा छाएगो है, थाको रिपियो गिर को समाचार टीवी पर भी आएगो है। काल टीवी पर है एक लुंगी आड़ो नेता, बीटीएम को वित्त मंत्री चिदंबरम साहब, काल टीवी पर है एक लुंगी आड़ो नेता आयो, रुपया के गिरने को हाल सुनायो, रुपयो गिर को करके रो रो हो, अरे मन लागे संसद में थाकड़ा गिरड़ा रुपया को ही रोड़ो हो रो हो, मने लागे संसद में धाकड़ा गिरड़ा रुपया कोई रोड़ो हो रो हो। अब थे खुद ही सावधानी राखोला तो ही काम बने लो, मनमोहन सिंह जी के भरोसे रिया तो रुपयो और गिरे लो, क्योंकि मनमोहन सिंह जी तो चाहे रुपयो आतो चाहे रुपयो जातो चाहे रुपयो कोई खा जातो बे तो की कहता को नहीं, अर भी लुंगी वाला वित्त मंत्री के लुंगी में रुपया रहता को नहीं, चाहे रिपियो आतो चाहे रिपियो जातो चाहे रिपियो कोई खा गया तो मनमोहन सिंह जी तो की कहता को नहीं, भी लुंगियाड़ा वित्त मंत्री का लुंगी में रिपिया रहता को नहीं, अरे गरीब जनता का चाहे कितना ही रिपिया गिर जावे ए राजनेता पूछने जावे को नहीं, अरे मन लागे था को गिरडो रिपियो पाछो आवे को नहीं। मैं क्यों ये बावड़ी ए अर्थशास्त्र की बाता पर तू दिमाग मत लगावे, ए अर्थशास्त्र की बाता था के लुगाया के बस में कोनी आवे, बा बोली जी अर्थशास्त्र तो लुगाया के बस में कोनी आवे, पण ई देश को एक मोटो अर्थशास्त्री एक लुगाई के बस में ही रेवे, और रिपियो चाहे कति ऊट बैठ काटे वो की नहीं केवे, रिपियो चाहे कति ऊट बैठ काटे वो की नहीं केवे। मैं क्यों ये बावड़ी, मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को हाल के रियो हूँ, डॉलर के मुकाबला में रिपियो गिर को ही बात को समाचार दे रही हूँ, बिना लाई ठाकुर ने रिपियो किया गिरी और कट गिरी, डॉलर के मुकाबला में रिपियो गिर को ही बात को समाचार दे रही हूँ। बा बीच में बोली जी मन एक बात बताओ, अपना रिपिया में ताकत कोनी, जरा ओ झूठो ही क्यों श्यावे है, ए डॉलर वो मुकाबलो नहीं कर सके तो डॉलर के कने ही क्यों जावे, डॉलर वो मुकाबलो नहीं कर सके तो डॉलर के कने ही क्यों जावे, यार वो डॉलर रोलर वाले जिया अपना रिपिया ने मसल तो चाले, कटा को डॉलर कटार फोड़ा गाले, बढ़िया कटा को डॉलर यार कटार फोड़ा गाले। अपना नया वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहो के अपना रिपिया ने ताजो खुआवे पावे, यार भी डॉलर ऊपर से मुकाबलो करावे। मैं क्यों ये मुकाबला को मतलब अंतिम पंक्ति वैसा, मुकाबला को मतलब एक डॉलर 50 रुपया की जगह 68 रुपया को हो गयो, 50 की जगह 68 रुपया को हो गयो, इन्हें अर्थशास्त्र में रिपियो गिरनो बतावे है, आ बात थारी समझ में नहीं आवे है, बा बोली जी मारे समझ में आएगी, बा बोली जी मारे समझ में आएगी, ताजियान का होशियार गणित का टीचर 50 68 ऊपर ने गिरबो बतावे ला, 50 68 ऊपर ने गिरबो बतावे ला, तो बे लुंगी वाला वित्त मंत्री यही देश की पुंगी बजावे ला, यही देश की पुंगी बजावे ला। हाँ भाई अशोक सेवदा जी, हस्ता हसाता अर्थशास्त्र में रुपये का अवमूल्यन एक बहुत कठिन विषय है। विपर राजस्थानी के माँ एक व्यंग की कविता सुनाई, अगर आकी बाता आकी वाणी को मिठास आपने बहुत आनंद दियो हुए तो एक बार अपना मेहमान के लिए जोरदार ताड़िया बजाकर अशोक सेवदा जी ने आप बताओ, और आनंद का पलाना आपका जीवा है।